आप लोग अक्सर देखते होंगे, चर्चा में एक दो शब्द बने रहते हैं। एक है शरणार्थी, दूसरा है आपका प्रवासी। तो एक बात सी साफ समझ लीजिए कि जो प्रवासी होते हैं ये क्या करते हैं कि अपनी मर्जी से किसी उद्देश्य के लिए, यानी कि रोजगार के लिए, एक शहर से दूसरी शहर जाते हैं। हमारे देश से भी आप देखेंगे विदेश में कितने लोग बसे हुए हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, प्रवासी कह देते हैं। लेकिन शरणार्थियों की प्रॉब्लम रहती है। शरणार्थी वे लोग होते हैं एक तरह से जो मजबूरी में उन्हें अपना घर परिवार या अपना देश छोड़ना पड़ता है। आप देखेंगे कि हमारे यहाँ चुनाव भी होता है, उस समय भी आप देखते हैं चर्चा में बना रहता है, और हमारे नेता भी इस पर रोटी वोट बैंक करते रहते हैं। ठीक है, तो जान लेते हैं इसके बारे में पूरी कहानी आपकी, शरणार्थियों के बारे में। हाल ही में आप देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, ये इसकी अगर इस संस्था की अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी 14 दिसंबर 1950 को। इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, तो इसे भी आप लोग याद रखिए। यूएनएससीआर ने इस वर्ष पुनर्वासित होने वाले शरणार्थियों की संख्या में भारी कमी आने की बात कही है। और एक तो ये हो सकता है कि देखिए इस समय कोरोना की वजह से एक देश से दूसरे देश में घुसने में भी प्रॉब्लम हुई है, किस तरह से एक तरह से लॉकडाउन लगाया है, तो इसकी वजह से भी आप देख सकते हैं कि कमी आई है। शरणार्थियों के पुनर्वासन से जुड़े अगर प्रमुख बिंदुओं की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय के मुताबिक 2020 में प्रथम 9 महीने में महज आप देखेंगे 15,425 लोगों के लिए ही पुनर्वास संभव हो पाया है, जबकि 2019 में अगर आप देखें तो 50,000 से ज्यादा संख्या थी, यानी कि 2020 में कमी देखी गई है। 2016 में पुनर्वासित शरणार्थियों की संख्या 1,26,000 से ज्यादा थी, यानी कि उससे पहले आप जाएंगे तो और बुरी स्थिति देखेंगे। बहुत बड़ी जनसंख्या, एक जनसंख्या के रूप में ये पुनर्वास हुए थे। यूएनएचसीआर के अनुसार शरणार्थियों के पुनर्वासित होने की मौजूदा दर पिछले 10 दशकों में पुनर्वास के सबसे कम स्तर को दर्शाती है। यह शरणार्थियों शरणार्थी संरक्षण के लिए और मानव समुदाय की जिंदगियां बचाने तथा जोखिम का सामना कर रहे लोगों की रक्षा करने के प्रयासों को एक बड़ा झटका भी है। यूएन एजेंसी के मुताबिक कोविड-19 महामारी के कारण शरणार्थियों को अन्य देशों में भेजा जाना मुश्किल हो गया है। यही कारण है कि शरणार्थियों के पुनर्वासन में दिक्कत परेशानी आ रही है। जनवरी से सितंबर महीने के बीच पुनर्वासित 15,000 लोगों में लगभग 30% हिंसा या फिर यातना के शिकार रहे हैं। और इसी प्रॉब्लम की वजह से, इसी एक तरह से मजबूरी कह लीजिए, समस्या के कारण ये लोग अपना घर परिवार छोड़ते हैं। पुनर्वास सहित अन्य सुरक्षित और कानूनी रास्तों से संरक्षण का दायरा बढ़ाने से शरणार्थियों की जिंदगियों की रक्षा होती है, और इससे उनके द्वारा भूमि और समुद्री मार्ग से खतरनाक यात्राओं पर जाने की मजबूरी को कम किया जा सकता है। पुनर्वास प्रयासों के तहत शरणार्थियों को शरण लेने वाले देश एक देश से उन देशों में भेजा जाता है जो उन्हें स्वीकार करने और स्थायी रूप से बसाने के लिए राजी हो गए। संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने विश्व समुदाय से और अधिक संख्या में शरणार्थियों को स्थान देने का आग्रह भी किया है। आप अपनी अगर मैप में स्थिति देखेंगे, ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें हमारा प्यारा भारत ये है आपका, ठीक है। इसमें नीचे आपको श्रीलंका देखने को मिलेगा, यहाँ आपको म्यांमार देखने को मिलेगा, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, आप देखेंगे यहाँ चीन है, यहाँ पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो हम ऐसे शांति प्रिय एक तरह से देश हैं। तो पाकिस्तान से भी आप देखते हैं कि हिंदू बड़ी संख्या में हमारे देश में आए हुए हैं, बांग्लादेश से भी लोग आते हैं, आप देखते हैं कि बांग्लादेश से, भूट अफगानिस्तान से, म्यांमार से, हमारे यहाँ देखते हैं पश्चिम बंगाल, असम की तरफ आप देखिए, एक बहुत बड़ी जनसंख्या में एक तरह से शरणार्थी रहते हैं। क्योंकि बाकी देशों में आप जानते हैं बांग्लादेश में क्या स्थिति है व्यक्तियों की, चाइना में आप देखते हैं कि क्या स्थिति है, अब पाकिस्तान में क्या स्थिति है, म्यांमार में क्या स्थिति है। तो आप एक तरह से वहीं जाना पसंद करेंगे ना जहाँ शांति हो, यानी कि आपके जीने की अधिकार पूरी तरह से मिले हुए हो। तो यही प्रॉब्लम रहती है, इन्हीं की वजह से क्या कहते हैं कि भारत में एंट्री ले लेते हैं। और भारत में एंट्री मतलब आना बहुत आसान भी है ना, आप समझिए इनकी सबकी जुड़े हुए देश हमारे एक तरह से। नेपाल को ले लीजिए आप लोग, नेपाली आपको बहुत सारे देखने को मिल जाएंगे हमारे देश में। विभिन्न देशों में शरणार्थियों के पुनर्वासन की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने कहा है कि इस वर्ष सबसे बड़ी संख्या में सीरियाई नागरिक 41% पुनर्वासित किए गए हैं। इसके बाद कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य 16% का स्थान आता है। अन्य शरणार्थी इराक, म्यांमार और अफगानिस्तान से पुनर्वासित किए गए हैं। क्या आप लोग वहां जाना पसंद करेंगे, वहां रहना पसंद करेंगे जहां आपको मालूम ही नहीं आपकी सुबह आज होगी या नहीं होगी?
आप अगर ऑफिस जा रहे हैं तो आपको मालूम ही नहीं चलेगी आप कल ऑफिस से लौटेंगे वापस या नहीं, आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो वापस लौटेंगे या नहीं, ये भी जहां संभव मतलब मालूम ही ना हो वहां कौन रहना पसंद करेगा। यही देखते हैं अफगानिस्तान में, आप देखते हैं आप लोग आए दिन बम फटते रहते हैं, ईरान देख लीजिए, चाहे इराक देख लीजिए, म्यांमार देख लीजिए, अफगानिस्तान देख लीजिए, सीरिया देख लीजिए आप लोग, लेबनान देख लीजिए आप लोग। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं कि शांति जहां भी अपने बच्चों की जिंदगी हर कोई चाहेगा। महामारी की वजह से लीबिया ने से शरणार्थियों के लिए सहायता प्रयासों में रुकावट आई है और पुनर्वास प्रक्रिया 15 अक्टूबर को ही शुरू हो पाई है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि शरणार्थी होते कौन है, आखिर हैं कौन ये लोग। शरणार्थी वो इंसान होते हैं जो उत्पीड़न, युद्ध या फिर हिंसा के कारण अपना देश छोड़कर किसी दूसरे देश में रहने के लिए जाता है और डर के कारण वापस अपने मुल्क लौटना नहीं चाहता है। किसी देश में मौजूद नागरिक राजनीतिक, धार्मिक और सांप्रदायिक उत्पीड़न के कारण भी लोग शरणार्थी बनते हैं। कभी आप लोग इस तरह के लोगों के इंटरव्यू देखिए जो पाकिस्तान से हिंदू आए हुए हैं, दिल्ली के आसपास बसे हुए हैं, उनके उनके बारे में कभी पढ़िए, उनसे उनसे बात करिए, कभी कई आपको देखने को मिल जाएंगे उनके इंटरव्यू भी, तो बड़ा दर्दनाक मतलब दर्दनाक उनकी कहानी रहती है। आप समझिए एक बहुत बड़ी जनसंख्या आपकी हिंदू जब 1947 में आजाद हुए तो पाकिस्तान में भी गई हुई थी, आज आप देखेंगे ना के बराबर देखने को मिलेंगे, कहाँ गए आखिर वो लोग। तो या तो उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया गया है या उन्हें मार दिया गया है। तो इसी पर वजह से लोग हमारे देश में आना पसंद करते हैं। शरणार्थी अगर संकट की बात करें हम लोग तो संघर्ष, हिंसा, युद्ध, बढ़ती अमीरी गरीबी, आंतरिक अस्थिरता और बाहरी राजनीतिक हस्तक्षेप, और यही एक तरह से कहिए इन्हीं प्रॉब्लम के कारण एक व्यक्ति अपना घर परिवार यानी कि अपना आवास छोड़कर दूसरे देश में या दूसरी जगह चला जाता है। शरणार्थी संकट के असर की बात करें तो मानव अधिकारों का हनन ये तो देखने को ही मिलेगा, मानव तस्करी भी देखने को मिलेगी, पहचान का संकट, राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा, राजनीतिक अस्थिरता, जनसंख्या में वृद्धि, अराजकता, अलगाववाद की समस्या। शरणार्थियों को रास्ते में कई मुश्किलों का भी सामना करना पड़ता है जिसमें उनकी जान भी चली जाती है। अब बात करें अगर UNHCR के बारे में, संयुक्त शरणार्थी उच्चायुक्त कार्यालय की स्थापना 14 दिसंबर 1950 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने की थी और एजेंसी का कार्य क्षेत्र दुनिया भर में शरणार्थियों के संरक्षण और शरणार्थी समस्याओं के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई का नेतृत्व और उसमें समन्वय करना है। इसका मूल उद्देश्य की बात करें तो शरणार्थियों के अधिकारों और कल्याण की रक्षा भी करना इसका एक काम है। UNHCR यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास भी करता है कि हर कोई किसी दूसरे देश में शरण मांगने और सुरक्षित शरण पाने के अधिकार का उपयोग कर सके, उसे स्वेच्छा से स्वदेश लौटने, स्थानीय समुदाय में घुल मिल जाने अथवा किसी दूसरे तीसरे देश में बस जाने का विकल्प भी मिले। UNHCR को राष्ट्रविहीन लोगों की मदद करने का काम भी सौंपा गया है। और याद रखिए इनकी कोई जिंदगी का मायना नहीं रखता है, इनके बच्चों को ना तो VIP अच्छी शिक्षा मिल पाती है ना तो स्वास्थ्य व्यवस्था रह पाती है। आप समझिए एक तरह से ये लोग झोपड़ी बना के रह लेते हैं, ये होते हैं इनकी जिंदगी, अपने देश से निकाले जाते हैं या तो छोड़ के आ जाते हैं। शरणार्थी का संकट के लिए कानून की बात करें हम लोग तो 1991 का शरणार्थी कन्वेंशन एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय कानून है जो शरणार्थियों को परिभाषित करता है। इस कन्वेंशन के मुताबिक इस पर दस्तखत करने वाले देशों पर शरण देने वाले व्यक्तियों के सभी कानूनी सुरक्षा, सहायता और सामाजिक अधिकारों का पालन करना होता है। याद रहे कि भारत ने ना तो शरणार्थी कन्वेंशन 1951 पर दस्तखत किए हैं और ना ही शरणार्थी कन्वेंशन से जुड़े 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए हैं। फिर भी आपने देखा है कि आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी हम लोग बहुत इनकी मदद करते रहे, इन्हें सुविधाएं उपलब्ध करवाते रहे। इसलिए तो हम कहते हैं कि एक धर्म गुरु है हम दुनिया में, हमारा एक तरह से भारत की छवि है धर्म गुरु, शांति प्रिय, तो इसी कारण हम लोग इनकी मदद भी करते रहते हैं, ठीक है। लेकिन ये सरकारें आती हैं तो क्या करती हैं कि अपनी वोट बैंक के लिए बात करती रहती हैं, कोई आएगी कोई कहेगी इनके मतलब कोई कई फर्जी वोटर कार्ड बनवा लिए तो चुनाव का फायदा भी उठाते रहते हैं। तो देखिए आगे जो भी प्रॉब्लम रहती है आप लोग न्यूज पेपर से, इसीलिए तो कहता हूँ एक न्यूज पेपर पकड़ लीजिए आप लोग, अगर हिंदी मीडियम से आप लोग तो जनसंख्या आपके लिए बेहतर है, आपके लिए दैनिक जागरण भी बेहतर है, ठीक है, यही दो। और आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो द हिंदू, और याद रखिए हिंदी मीडियम वाले हिंदा हिंदू ना पढ़े तो बेहतर है, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप देखेंगे कि आपकी अगर इंग्लिश ठीक है तभी आप पढ़ें, वरना आपसे 2 से 4-5 घंटे आपको उसी में पढ़ने में निकल जाएंगे तो क्या मतलब रहा।
और आप देख रहे हैं कई क्लासें भी तो ले जा रहे हैं जो उसका हिंदी में अनुवाद करके पढ़ा रहे हैं, तो उसे भी आप लोग देखते रहिएगा, ठीक है।